नमस्कार भाई अभी अपना पंच दिख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर सतना से है भाई, जहां के निगम प्रशासन बड़ी कार्रवाई कई के भू माफियन के अतिक्रमण का हटाई अपना बताई दी कि अपने फायदा खातिर भू माफिया 50 फीट चौड़ा नाला का ही छोटी नाली में बदल दिए रहे हम। जोने की शिकायत मिले के बाद राजस्व और निगम प्रशासन JCB लेके पहुंचा और अतिक्रमण हटावे के कार्रवाई करी नहीं भाई। से रही जहां गांव वाले अमोखर के नरैनी पहाड़ के निर्माणाधीन गौशाला में गायन का कैद कई के ओके मुख्य दरवाजा में ताला जड़ दिहिन। अपरक बताई दी कि जानवर भूख से मर रहे हैं, गौशाला में कैद गैयन के खाए पिए के कोनो मेर के व्यवस्था नहीं है। वहां अगर सलगे मामला में अगर गांव वालन के बात मानी जाए तो गांव वाले बताएं कि वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर गायन का यहाँ लाबागा जहाँ समुचित व्यवस्था न हो के कारण एक दर्जन से अधिक गैयन के मौत हो चुकी है। एक बाद प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बने हम। मेरा नाम है चुमन यादव। क्या समस्या है आपको? समस्या यह है कि गोरुआ बेड़े हैं और गोरुआ का कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। खेती चलत रहे तो सब SDM में सेक्रेटरी लिया के बनवाए दी या कहीं के मानो जौन आदमी यहाँ गौशाला में बनवाई और कहीं जौन आदमी चराई तो पानी पी आई तो कर कुछ व्यवस्था सेक्रेटरी साहब कहें कि हम करा दें। एक्चुअली अमोखर में दो गौशालाएँ हमारी निर्माणाधीन हैं और अभी कंप्लीट हुई नहीं है और जितने भी आसपास के मवेशी हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको तो उन्हें चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है तो गांव वाले अपनी तरफ से उसको ला के वहाँ पर कौन देते हैं और वो खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ कर देते हैं कि इधर उधर ना घूमें। अभी शासकीय तौर से वहाँ पे उनको कोई अनुदान या कुछ देने की अभी कुछ शुरू नहीं हुई है क्योंकि क्रियान्वित हुई नहीं है। बुलेटिन के अगली खबर मनिगावा की रही जहाँ मनिगावा मास चले वाली शिशु शिव विद्यालय के बस लड़कियन का ले खातिर गांव पहुंची रही। इस समय में ही उमरी महुली के लगे बस अनियंत्रित हो के पलटी नहीं बल्कि टेढ़ हो गए जौने से बस पलटी खाए से बच गए और बड़ी घटना हो इसे टल गए। अपना बता दी कि एक घटना में ही स्कूली बस के घटना में ही स्कूल बस में बैठे छोट बच्चा चीख पुकार मचाई जोने के बाद आसपास लोग मौके पर इकट्ठा हुए के बच्चन का सुरक्षित बाहर निकाली और उनके घरे पहुंचाई नहीं पे। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से हवा जहां निशुल्क नेत्र शिविर में ही 350 से अधिक लोगों के नेत्र के परीक्षण किएगा जोने में ही 25 मरीजन का मोतियाबिंद के ऑपरेशन खातिर चित्रकूट भेजा गया हवा। अपने बता दी कि शिविर में ही 5 लोग नेत्रदान कराए के संकल्प लीन ही भाई। यह नेत्र शिविर समाज सेवी स्वर्गीय बाल मुकुंद गुप्ता के याद में ही लक्ष्मी क्यू सुपरमार्केट और सदगुरु सेवा ट्रस्ट नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के सहयोग से नीम चौराहा बोदाबाग के लक्ष्मी क्यू सुपरमार्केट के सामने दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आयोजित की इनका रहा है। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से रही है जहां सैकड़ों की संख्या में ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जम के हंगामा मचाए। अपना को बताया दी कि मध्य प्रदेश के दमोह जिला में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पारदी संगठन के काम से प्रवास पर रहे जिनका पुलिस गिरफ्तार कर ली। एक बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मीडिया से बताएं कि प्रांत मंत्री का षड्यंत्र कई के फसावा जाल रहा है। आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग है आपको? हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं जिला मंत्री मनीष मिश्रा, यहाँ पे हम ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब को। अभी विगत 8 तारीख को दमोह में हमारे प्रांत मंत्री श्री ललित पारधी जी को बिना किसी पूर्व सूचना के गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद हमारे पदाधिकारियों ने हमारे पूरे संगठन ने प्रदेश भर में इसका आंदोलन किया, विरोध किया, जिसके दबाव में चलते उन्होंने बाद में छोड़ तो दिया लेकिन इससे हमारे संगठन की छवि धूमिल हुई। हमने प्रशासन स्तर पर भी इसकी अभी ज्ञापन देने के लिए आए थे
कभी भी हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना हो, इसी के लिए हम ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को आए थे कि यहाँ कई बार ऐसा देखा गया है कि संगठन के कार्यकर्ता सामाजिक कार्य में अनवरत कार्य करते रहते हैं और कई बार प्रशासन के द्वारा किन्हीं विरोधी जो हिंदू विरोधी जो संगठन हैं उनके दबाव में आकर कई बार इस तरह के कृत्य किए जाते हैं जिससे हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो भैया बहनी आज के लाने इतने, बघेली में खबर देखे लाने देखत रही मारविंद के बघेली समाचार, साथ चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करी। नमस्कार।